नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे गार्डन में। तो आज गार्डन में कौन कौन से फ्लावर्स खिले हुए हैं वो आपसे मैं शेयर कर देती हूँ। और ये हिबिस्कस के बहुत ही सुंदर से हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर्स खिले हुए हैं, येलो कलर के। और देख ही सकते हैं कि हिबिस्कस के लिए अभी का जो मौसम है ना ज़्यादा गर्म और ना ज़्यादा ठंडा, तो हाइब्रिड हिबिस्कस के लिए ये मौसम बहुत ही परफेक्ट मौसम होता है। वैसे तो ये वाला सीज़न जो हमारा होता है ये सभी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, चाहे विंटर के प्लांट्स हो चाहे समर के प्लांट्स। विंटर के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं और समर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो जब हमारा प्लांट न्यू ग्रोथ लेता है या फ्लावरिंग पर आता है तो हमें कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र या कह सकते हैं कि सॉलिड फर्टिलाइज़र की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कौन से प्लांट पर हम किस तरीके से चेक करके ये फर्टिलाइज़र देंगे कि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें किस में देना है और सॉलिड किस में देना है। तो अभी दोस्तों अगर देखा जाए विंटर का जो फ्लावरिंग प्लांट है अब उनका बिल्कुल लास्ट एंड समय चल रहा है कि किसी के तो प्लांट्स ख़राब भी होने शुरू हो गए हैं। तो हमारे पास जितने भी विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो मैं उनमें सभी में लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी, जो कि मैंने ये संतरे के छिलकों से बनाया हुआ है। लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने ये छिलके उसमें गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डालकर इन्हें बॉटल में रखा था और समय समय पर इसकी थोड़ी सी गैस निकालनी ज़रूरी होती है, अदरवाइज़ ये बोतल इतना मतलब इसमें गैस बन जाएगी कि वो बोतल फट भी सकती है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। इसे बायो एग्ज़ाम की तरह कह सकते हैं कि मैंने बायो एग्ज़ाम बनाया था। तो अब इसको हमने कैसे यूज़ किया कि अगर हमारा ये थोड़ा जितनी क्वांटिटी में हम लेंगे उससे 5-10 गुना सिंपल पानी हम मिला लेंगे, और जितने भी हमारे विंटर के प्लांट्स हैं, क्योंकि अभी जो विंटर के प्लांट्स हैं उनमें पानी की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्हें बहुत जल्दी फ्लावर्स में बूस्टर की फ्लावर्स खिल सके उसके लिए एक बूस्टर की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही अच्छा काम करेगा हमारे जितने भी विंटर के प्लांट्स हैं। तो सभी विंटर के प्लांट्स पर मैंने ये संतरे के छिलकों का फर्टिलाइज़र कह सकते हैं कि दिया है और क्वांटिटी आप देख ही सकते हैं। और इसको यूज़ करने से पहले बस आप थोड़ा सा ये बात चेक कीजिए कि सभी जो प्लांटर्स हैं उसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ड्राई हो। अब बात आती है दूसरे, जो कि केले के छिलके से बना हुआ फर्टिलाइज़र है। तो दोस्तों जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं अब मैं इनमें सभी में केले के छिलके, इन्हें मैं लिक्विड फॉर्म में बनाकर नहीं दे रही हूँ, इन्हें मैं सिंपल बस कट करके, और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुखाया भी नहीं है। लेकिन इसको इस फॉर्म में अगर आप देते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, एक तो पहले आपके जो गमले की मिट्टी है वो पूरी तरीके से ड्राई हो, दूसरा आपके जो प्लांटर हैं वहाँ पर धूप अच्छे से आती हो ताकि ये जो छिलके हैं नेक्स्ट डे तक बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखिए छोटे छोटे रोज़ के, तो इसको देने के लिए आप इस तरीके से पहले अपने गमले की मिट्टी को थोड़ा सा ढीला कर लीजिए और बिल्कुल किनारे किनारे आपको ये देना है। इससे आपके प्लांट्स पे कोई फंगस नहीं लगेगी और गुड़ाई से तो वैसे भी सभी प्लांट्स जब गुड़ाई करते हैं एक तो खरपतवार हट जाती है, दूसरा मिट्टी भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। तो बस बहुत सिंपल तरीके से इस तरीके से गुड़ाई करके मैं अपने जितने भी मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं, जिसमें कि मेरे हिबिस्कस के प्लांट्स हो गए और साथ ही साथ अपराजिता के कई प्लांट्स हैं, उन पे मैं इस तरीके से दे दूंगी और बिल्कुल किसी भी प्रकार की फंगस मेरे प्लांट्स में नहीं लगेगी। बस आपने याद यही रखना है कि आपका प्लांट जो है वो थोड़ी धूप में रखा हो, साथ ही साथ गमले की मिट्टी भी सूखी हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप बैल्कनी में इसको यूज़ करें तो उस समय पर आप इसको बिल्कुल केले के छिलके को बिल्कुल सुखा लें ड्राई फॉर्म में करके, और अगर हो सके तो उसे मिक्सी में पीस कर फिर आप एक एक दो दो चम्मच यूज़ कर सकते हैं। और इसका हमारे परमानेंट प्लांट्स पर बहुत ही अच्छा असर होगा। तो इस तरीके से दोनों खाद को, इसके बनाना पील्स की जगह पर आप प्याज के छिलकों का भी यूज़ कर सकते हैं और आलू के छिलकों को भी अगर आप एक दिन थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। इससे क्या होगा, इसमें सॉलिड फॉर्म में हमने इसलिए दिया है क्योंकि अभी बारिश से और कई रीज़न से हमारी जो गमले की मिट्टी है ना वो बहुत नीचे तक चली गई है, तो अब जैसे जैसे थोड़े से जड़ें भी दिखने लगती है
तो थोड़ा सा मिट्टी को जब लूज़ करके हम इसमें आप देख सकते हैं कि गमले में कितना गैप आ गया है। तो इधर अगर हम इसको सॉलिड फॉर्म में देते हैं तो एक तरीके से ये मिट्टी का लेवल भी बढ़ा देगी गमलों में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप देख सकते हैं अपराजिता की क्या कंडीशन हो रही है। तो इसमें भी मैं इस तरीके से ये केले के छिलकों का यूज़ करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।